हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 3। पल्लवी उस आदमी को देखकर चौंक गई। पल्लवी ने मन में सोचा, ये यहाँ क्यों है? और अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई और फिर वहाँ से उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने उस तक पहुँचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। वो जितना उसके करीब जाने का सोचती, वो इंसान उससे उतना ही दूर चला जाता। और करीब 10 मिनट तक उसके पीछे भागने के बाद भी वो उसे नहीं पकड़ पाई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, आज फिर एक बार वो मेरे हाथों से निकल गया। आखिर उसने थककर हार मान ली और कुछ कदम पीछे होकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए एक बेंच पर बैठ गई और फिर घर चली गई। जिस इंसान तक पहुँचने के लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि पल्लवी का बचपन का दोस्त अर्जुन कपूर था। पल्लवी 10 साल पहले अपनी माँ की मौत के बाद अपने पापा के साथ दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गई थी और तब से अर्जुन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आज तक उससे नहीं मिल पाई थी। और पल्लवी जब दिल्ली वापस गई तो उसे पता चला कि किसी वजह से अर्जुन की फैमिली भी दिल्ली छोड़कर चली गई है। और आज वो उसे पूरे 10 साल बाद दिखाई दिया था और उसे देखकर उसके दिल को इतना सुकून मिला, क्योंकि अब उसे ऐसा लगा मानो अब वो इस अनजान शहर में अकेली नहीं है, कोई तो उसका अपना है। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, अगर वो इंसान उसका दोस्त अर्जुन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर वो सिर्फ इसका वहम हुआ तो? और ये सोचते ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई और उसने तय किया कि जो भी होगा देखा जाएगा और वो अपना हक लेकर ही रहेगी। ये सोचते हुए, ये उम्मीद लेकर वो घर की तरफ जाने लगी कि आज नहीं तो कल वो उसे ढूंढ ही लेगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। घर पहुंचते ही पल्लवी ने अपना बैग डाइनिंग टेबल पर रखा और सुबह वो जो अपने लिए खाना बनाकर रख कर गई थी उसे फ्रिज में से उसने निकाला और गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। वो शहर के बहुत बड़े हिस्से के एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पास बड़े घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उसका घर एक ऐसा था जैसे किसी स्कूल के स्टूडेंट का घर हो, जो स्कूल जाने आने में दिक्कत ना हो इसलिए वो वहाँ रहती हो। उसे वहाँ सबसे ज़्यादा बुरा रहने में तब लगता था जब कभी उसके घर की मालकिन उस पर चिल्लाती थी या गुस्सा करती थी। जब तक उसका खाना गर्म होता तब तक पल्लवी फ्रेश होने बाथरूम में चली गई, जहाँ उसकी नज़र एक धब्बे पर पड़ी जिसके बारे में उसने कई बार घर की मालकिन को कहा था कि इसे किसी सफाई वाले को बुलाकर साफ करवा ले, लेकिन 3 महीने से उसने इसका कुछ भी नहीं करवाया था। पल्लवी ने कपड़े बदलकर पजामा पहन लिया और माइक्रोवेव में से खाना निकाल कर ले गई और टीवी के सामने बैठकर खाने लगी। उसके घर में ज़्यादातर फर्नीचर नहीं था क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे थे कि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद सके। ये रूम एक कोच जैसा था जहाँ एक टेबल और चेयर रखी थी जिसे वो डाइनिंग टेबल की तरह इस्तेमाल करती थी। खाते खाते वो एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखने लगी, तभी एक खबर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये खबर मिस्टर मेहता की मौत से जुड़ी थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक मर्डर था और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने सुसाइड की थी। थोड़ी देर तक वो इस न्यूज़ को देखती रही और फिर थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे वो बोर हो गई है और इसलिए उसने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। पल्लवी ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और बेड पर लेट गई और सोचने लगी कि कल उसे क्या क्या करना है। कल उसका रायजादा इंडस्ट्री में असिस्टेंट ऑफ आर्किटेक्ट की पोस्ट पर पहला दिन होगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे वहाँ काम करना अच्छा लगेगा। ये सोचते सोचते वो सो गई। अगले दिन सुबह नए ऑफिस में जाने की खुशी में पल्लवी रोज़ाना से थोड़ा जल्दी उठी और फिर उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया और जल्दी तैयार हो गई। उसने फॉर्मल ड्रेस के साथ थोड़ा सा मेकअप किया और आईने में अपने आप को देखते हुए बोली, परफेक्ट। और फिर नाश्ता करके घर से निकलकर जल्दी से टैक्सी पकड़कर ऑफिस जाने के लिए निकल गई। 20 मिनट में पल्लवी रायजादा इंडस्ट्री के ऑफिस पहुंचकर सीधे रिसेप्शन की तरफ चली गई, जहां पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसका ऑफिस आईडी कार्ड दिया और उसे ऑफिस के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी दी। और फिर पल्लवी ने अपने कार्ड को स्वाइप करके दरवाजे को खोला और वहाँ से वो लिफ्ट की ओर चली गई, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने उसे 40th फ्लोर के रिसेप्शन पर जाकर उसे अपने आने की रिपोर्ट देने को कहा था। पल्लवी जल्दी ही 40th फ्लोर पर पहुंच गई और मैनेजमेंट डेस्क पर जाकर उसने वहां मौजूद एक लड़की से कहा
हेलो, आई एम पल्लवी अग्रवाल। मुझे यहाँ हाल ही में असिस्टेंट ऑफ आर्किटेक्ट की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? उस लड़की ने पल्लवी से कहा। श्योर मैम, आप मेरे साथ आइए। यह कहकर वो लड़की उसे वहाँ एक ऑफिस में ले गई और कहा, ये रही आपकी डेस्क मैम। और फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। पल्लवी ने उस लड़की से थैंक यू कहा और फिर वो अपने डेस्क पर बैठ गई। उसकी डेस्क पर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी, इसका मतलब यहाँ उसका काम शुरू हो चुका था। उसने जल्दी से अपना सामान वहाँ रखा और फाइल्स को देखने लगी। उसने करीब 4 घंटों में अपना काम ख़त्म कर लिया, लेकिन उसे उन फाइल्स में एक फ़ाइल मिली जिसके ऊपर लिखा था कॉन्फिडेंशियल। यह देखकर पल्लवी के मन में भी लालसा जागी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। इसलिए उसने उस फाइल को खोलकर देखा जिसके अंदर लिखा था न्यू ब्रिज प्रोजेक्ट। पल्लवी ने उसके अंदर के पन्नों को पलटना शुरू किया और उसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगी। उसमें लिखा हर क्लॉज सही था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी एक बात ऐसी थी जिसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इसलिए पल्लवी ने एक बार फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट का कितना हिस्सा किसे मिलेगा, जिसमें उसने देखा कि उस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट का लगभग 30% हिस्सा किसी मोहित मेहता को मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत था। और फिर पल्लवी ने रायजादा इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले ही निकाल ली थी, जिसके आधार पर उसे यकीन था कि मिस्टर मोहित मेहता उस कंपनी के 30% शेयर्स का मालिक नहीं है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका 30% प्रॉफिट कैसे हो सकता है। पल्लवी को इस कॉन्ट्रैक्ट पर थोड़ा शक होने लगा और वो मन ही मन अपने आप से कहने लगी, मैं इस बात की सच्चाई पता लगा कर ही रहूँगी। तब तक लंच टाइम भी हो चुका था, इसलिए वो नीचे उतर कर कैफ़े वाले एरिया में चली गई और बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ लंच करने लगी। पल्लवी वहाँ सबके साथ बात तो कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में उसी कॉन्ट्रैक्ट की बात घूम रही थी। पल्लवी को तो अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कंपनी मोहित मेहता को कितनी सैलरी देती है। कहीं कंपनी ने ही तो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट में 30% प्रॉफिट देने का फैसला तो नहीं किया। पल्लवी अपने दिमाग से इस बात को निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे इस बात को जाने देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि सीईओ ने किसी वजह से उसे ये प्रॉफिट देने का फैसला किया हो, लेकिन अभी भी उसके सामने सच नहीं आ पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसने सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट ललिता को वहाँ बैठे हुए देखा, तो उसने सोचा क्यों ना इसी से इस बारे में पूछ लिया जाए। यह सोचकर उसने उससे बात की और कहा, हेलो, मेरा नाम पल्लवी है। मैंने आज ही यहाँ असिस्टेंट ऑफ आर्किटेक्ट की पोस्ट पर ज्वाइन किया है और मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर आप बुरा ना माने और आपके पास टाइम हो तो क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगी? तभी ललिता ने कहा, हेलो डियर, हाँ मैंने फाइल को अपडेट करते वक्त तुम्हारा नाम असिस्टेंट ऑफ आर्किटेक्ट की पोस्ट पर देखा था। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम क्या जानना चाहती थी मुझसे? तभी पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं अभी वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहती थी जो हाल ही में हमें मिला है। ये सुनकर ललिता ने जवाब दिया, ओ हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट, पूछो क्या पूछना चाहती थी। लेकिन ये जान लेना, उस कॉन्ट्रैक्ट के इंचार्ज सीईओ सर खुद हैं, इसलिए हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो जब मैं अपनी डेस्क पर रखी फाइल्स को चेक कर रही थी तो मुझे उनमें एक नए कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल मिली। मुझे नहीं पता वो वहाँ कैसे आ गई, इसलिए जैसे ही मैंने उस फाइल को देखा तो मुझे लगा कि मुझे उसे देखना चाहिए, इसलिए मैंने उसे खोल कर पढ़ लिया। और जब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन पढ़ी तो मुझे लगा मुझे उसे क्लियर कर लेना चाहिए कि वो लाइन्स वहाँ क्यों लिखी हुई थी। क्या हमारी कंपनी का कोई और भी पार्टनर है? पल्लवी ने ललिता से सीरियसली पूछा। उसे लगा था कि उसे कोई जवाब मिलेगा, क्योंकि वो इसके पीछे की सच्चाई को जानना चाहती थी कि कहीं सच में तो इस कंपनी का कोई पार्टनर नहीं है। पहले तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतनी कॉन्फिडेंशियल बात सुनकर ललिता भी चौंक गई, और फिर ललिता को याद आया कि उसे कंपनी के सीईओ ने उस फाइल को संभाल कर उनके ऑफिस में रखने को कहा था, लेकिन उसके पास उस समय किसी फ्रेंड का कॉल आ गया था, इसलिए उसने गलती से उस फाइल को एम्प्लॉयज़ की फाइल के साथ रख दिया। ललिता ये सोचकर डर गई और उसने अपने डर को पल्लवी से छुपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे हमारी कंपनी का कोई और पार्टनर नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पल्लवी ललिता को ये बताते हुए घबरा रही थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो उसकी बात पर विश्वास करेगी या नहीं। इसलिए उसने सोचा इस बात को यहीं ख़त्म करके सॉरी कहना ही बेहतर होगा। इसलिए उसने कहा,
कुछ नहीं, वो तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि इन दिनों हमारे शेयर्स किन किन लोगों के नाम हैं। और कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर ललिता ने कहा, ठीक है अगर ये बात है तो मैं चलती हूँ। वैसे क्या वो फाइल अभी तक तुम्हारी डेस्क पर ही है? पल्लवी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ वो फाइल मेरी डेस्क पर है। और थैंक यू, सब सही होगा। और फिर ललिता ने वहाँ से जाते हुए कहा, ठीक है तो मैं अब चलती हूँ और हैव अ नाइस डे। तुम्हारा भी, पल्लवी ने उसे जाते देख कहा और सोचने लगी कि अब क्या होगा, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसके बाद पल्लवी रिसेप्शनिस्ट के पास गई और बोली, हेलो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? रिसेप्शनिस्ट ने उसकी बात सुनकर कहा, जी मैम क्यों नहीं, कहिए क्या कहना चाहती हैं। तभी पल्लवी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप तो जानती हैं कि मैंने ये कंपनी आज ही ज्वाइन की है, तो मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहती हूँ, इसलिए मुझे लगा इसमें आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए कहा, जी मैम बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? क्या हमारे पास इस बात का रिकॉर्ड होता है क्या कि किसने 2 हफ्ते पहले या उससे पहले हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं? पल्लवी ने उससे पूछा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैं चेक करती हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो उसका रिकॉर्ड ज़रूर होगा। वैसे क्या मैं उस इंसान का नाम जान सकती हूँ जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं? पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, क्या कहीं मोहित मेहता तो वो इंसान नहीं जिन्होंने हाल ही में हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हों? ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने एकदम से जवाब दिया, नहीं नहीं वो तो हमारी कंपनी के आपकी तरह एक एम्प्लॉय हैं। और कुछ जो आप जानना चाहती हो? नहीं नहीं बस यही जानना था मुझे, थैंक यू ये बताने के लिए। और ये कहकर पल्लवी वहाँ से चली गई। पल्लवी अब तक काफ़ी थक चुकी थी, लगता है उसे इस मामले को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसने इतनी कोशिश की पर उसे कुछ पता तो चला नहीं था। इसलिए वो अपने डेस्क पर सर नीचे रखकर अपनी सीट पर बैठ गई। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। पल्लवी ने जैसे ही कॉलर आईडी पर देखा तो ये किसी अनजान नंबर से कॉल था। वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन हो सकता है, इसलिए उसने फ़ोन उठाते ही पूछा, माफ़ कीजिएगा कौन बोल रहे हैं आप? मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी, फ़ोन की दूसरी तरफ किसी आदमी ने जवाब दिया। पल्लवी ने कंफ्यूज होकर कहा, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ मिस पल्लवी आप जिसे ढूंढ रही थी मैं वही हूँ। पल्लवी ने अपने मन में कहा, इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता? और फिर उसने झट से कहा, माफ़ कीजिएगा क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये थोड़ी अजीब सी बात थी इसलिए पल्लवी थोड़ा घबरा गई। यह सुनकर उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, मैं मोहित मेहता हूँ। उसका नाम सुनते ही पल्लवी समझ गई थी कि उसने जो कुछ भी किया उसके बारे में उसे पता चल गया होगा, इसलिए उसने कॉल किया है। इसलिए पल्लवी ने उससे पूछा, आपको कैसे पता ये सब और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसे इतनी जल्दी ये सब पता चल गया। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, बुरा मत मानिएगा लेकिन इस कंपनी में मेरा भी कोई रुतबा है, वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तभी पल्लवी ने कहा, ओके तो मैं आपको बता दूं कि गलती से मैंने उस नए प्रोजेक्ट की फ़ाइल को पढ़ लिया जिसमें लिखा था कि उस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में 30% शेयर आपका भी है, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मेरा मतलब जहाँ तक मुझे पता चला कि आप इस कंपनी के कोई बड़े शेयर होल्डर नहीं हैं तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, इसलिए मैंने आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ आपको उस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में 30% शेयर क्यों मिलेगा? थोड़ी हिम्मत करके आखिर पल्लवी ने उससे पूछ ही लिया, इन सब बातों से आपका कोई मतलब नहीं है इसलिए अच्छा होगा कि आप इस मामले से ज़रा दूर ही रहें। उस आदमी ने थोड़ा रोब से कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती हूँ। पल्लवी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। ये सुनते ही उस आदमी ने फिर से उसे धमकी भरे अंदाज में कहा, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इसलिए इस मामले से ज़रा दूर ही रहो, तुम अपना काम करो और मस्त रहो, बाकी सब इस कंपनी के बॉस पर छोड़ दो। तभी पल्लवी ने अभी भी उसी अंदाज में कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में 30% क्यों मिलेगा। जब तक आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, इस मामले से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इसलिए इसे जाने दो वरना। उस आदमी ने उसे धमकी भरे अंदाज में कहा, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, पल्लवी ने गुस्से में कहा। पल्लवी के इस अंदाज को सुनकर उस आदमी ने कहा,
या तो तुम इस मामले से दूर रहो, तुम्हारे बॉस को इस मामले को हैंडल करने दो, वरना इस बारे में बॉस को मैं खुद बता दूंगा। तभी पल्लवी का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो बोली, क्या बताओगे तुम उन्हें कि तुमने मुझे फ़ोन करके ये सब कहा था? अगर ये मामला उतना सीरियस नहीं होता तो शायद उसे इस पर हंसी आ जाती। तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं लेकिन तुम जिस मामले के पीछे पड़ी हो उन पेपर्स पर तो वो कब के साइन कर चुके हैं, और कुछ दिनों में तो मैं खुद उन्हें ये बता दूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ नहीं कर सकता है? क्या मुझे अभी जाकर ऐसा करना चाहिए? उसकी ऐसी बातें सुनकर पल्लवी डर के मारे कांपने लगी। वो यहाँ नई थी और एक पुराने एम्प्लॉय पर शक कर रही थी। अगर सीईओ को इस बारे में पता चला, सवाल उसके ऊपर उठेगा, हो सकता है वो उसे उसी समय इस नौकरी से निकाल भी दे। पल्लवी को इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो इस जॉब को अपने हाथों से ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। इसलिए उसने उस आदमी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, अब लगता है तुम एक समझदार लड़की हो। अगर तुम चाहती हो कि ये बात किसी को ना पता चले तो आज रात 9 बजे होटल रेडिसन में मुझसे मिलो, और ध्यान रहे ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद। और हाँ याद रहे तुम्हें वहाँ अकेले ही आना है। तो बाय मिस पल्लवी, रात को मिलते हैं। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पल्लवी उससे पूछती ही रह गई कि होटल रेडिसन लेकिन क्यों, हेलो हेलो, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। उसे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि अकेले ही आना, आखिर क्या कहना चाहता था वो आदमी, वो उससे अकेले में क्यों मिलना चाहता है, आखिर उसने उसे अकेले आने के लिए क्यों कहा। पल्लवी के दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था। वो बहुत घबरा गई थी, वो जानती थी कि कुछ तो गलत होने वाला है उसके साथ, इसलिए वो वॉशरूम की तरफ गई और उसने अपना मुंह धोया। वो इस बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए उसने अपना ध्यान फिर से अपने काम में लगा लिया, क्योंकि उसे कल कुछ प्रेजेंट करना था। पल्लवी चाहकर भी उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। बार बार उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि अगर वो मोहित मेहता से मिलने गई तो क्या होगा। जैसे जैसे घड़ी की सुई चल रही थी उसके दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी, और बहुत जल्द उसके होटल रेडिसन पहुंचने का वक्त भी हो गया। पल्लवी ने घड़ी की तरफ देखा और अपनी डेस्क से अपना सारा सामान समेटकर नीचे कैब पकड़ने के लिए चली गई। और जैसे ही वो होटल पहुंची और मिस्टर मोहित मेहता के बारे में पूछा, तो थोड़ी ही देर में वो आदमी भी वहां पहुंच गया। ये उसकी मोहित के साथ पहली मुलाकात थी। मोहित दिखने में लंबा चौड़ा और हैंडसम बंदा था, और उसने पल्लवी को वहां देखते ही कहा, हाँ तो आप हैं मिस पल्लवी, आइए मेरे साथ। यह कहकर वो एक लिफ्ट की तरफ चला गया। पल्लवी के पास उसके पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे जाने लगी। उसे थोड़ा अजीब लगा, और बहुत जल्द वो उस होटल के सेकंड फ्लोर के एक कमरे के सामने पहुंच गई, और मोहित ने उस रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही पल्लवी घबराई हुई सी काउच पर बैठ गई, जबकि मोहित बेड पर बैठा। तभी मोहित ने एक सिगरेट जलाई और उसका कष्ट लेते हुए कहा, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अगर मैंने कंपनी के सीईओ को बता दिया तो तुम जानती हो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मुझे लगता है ये तो तुम जानती होगी। पल्लवी उसकी बात समझ गई थी, इसलिए पल्लवी ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ मिस्टर मोहित, इसलिए मैंने इतनी रात को यहाँ आने की आपकी बात मानी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या तुम मेरे साथ इस बेड पर बैठोगी? मोहित ने एक शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। ये सुनकर पल्लवी को कुछ अजीब लगा और उसने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ सर, तुम्हें पता है ना कि यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। ये बोलकर मोहित बेड से खड़े होकर पल्लवी की तरफ जाने लगा। अब पल्लवी उसे इस तरह देखकर और भी ज़्यादा घबरा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, मोहित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पल्लवी ने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कभी उसने किसी के ऊपर इस तरह हाथ नहीं उठाया था। जब तक वो इस शौक से बाहर आता, पल्लवी ने उसे ज़ोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और दरवाजे की तरफ भागने लगी। वो अभी आधे रास्ते तक बाहर आई ही थी, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि वो किस रास्ते से यहाँ आई थी और लिफ्ट किस तरफ है, इसलिए वो बस सीधी सीधी भागती जा रही थी। भागते भागते बार बार वो पीछे मुड़कर बस यही देख रही थी कि कहीं वो कमीना उसके पीछे तो नहीं आ रहा। और इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंचता,
भागते हुए वो किसी से टकरा गई, जिसकी वजह से वो गिर गई। वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिरी थी। तभी उसने देखा कि सामने से मोहित आ रहा है, लेकिन उसके चेहरे का फ्यूज़ उड़ा हुआ है। और वो अचंभे के साथ बोला, सर सर आप यहाँ? और तभी पल्लवी ने एक बार फिर मोहित की तरफ देखा, जो वहाँ से भागता हुआ नज़र आ रहा था। और फिर जैसे ही पल्लवी ने ये देखने के लिए नज़र उठाई कि आखिर वो किस इंसान से टकराई है जिसे देखकर मोहित भाग गया, तभी उस इंसान ने उसे उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही पल्लवी ने ऊपर देखा तो उस हॉल की सीलिंग पर एक परछाई नज़र आई। ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी में एक चमक हो। पल्लवी उसकी तरफ देखने के लिए मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी कि उसने देखा वो अजनबी उठने में उसकी मदद करके वहाँ से जा चुका था। उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी वहाँ से चला जाएगा। और जब उसने उसे पीछे से जाते हुए देखा तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर पल्लवी जैसे कहीं खो सी गई। इतना ही नहीं, कुछ देर पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ, कुछ देर के लिए तो वो भूल ही गई। पहली बार किसी अजनबी के लिए उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। और तभी उसके मुंह से अचानक निकला, क्या हैंडसम बंदा है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए इश्क की अनोखी दास्तां के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।